तीव्रत कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपो एग्जीबिशन के बारे में इन आर्मेनिया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चार महीना। नॉर्मली ये सितंबर में एक्सपो होने वाला है इन आर्मेनिया। बहुत सारे एक्सपो होने वाला है इन आर्मेनिया। 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख ए डेट में, मतलब 10 तारीख से लेकर 30 तारीख के अंदर आर्मेनिया में बहुत सारे एक्सपो होने वाला है। तो आर्मेनिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। आर्मेनिया जो है स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है। आर्मेनिया को जितने सारे अटेंडीज विजिटर्स आते हैं एग्जीबिशन ज्वाइन करने के लिए, वहाँ आते ईरान से आते हैं, रशिया से आते हैं, आर्मेनिया का इम्पोर्टर्स भी रहते हैं, जॉर्जिया से आते हैं, एंड आपका ज़्यादा करके मिडिल ईस्ट कंट्री से भी आते हैं आर्मेनिया, ऑल्सो ईस्टर्न यूरोप एंड ऑल द CIS कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की नहीं आते क्योंकि वहाँ का सिटीजन को वीज़ा का बंद है इन आर्मेनिया। तो ज़्यादा करके रशिया, ऑल द CIS कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्ट यूरोप एंड आपका ईरान। ईरान बड़ा मार्केट है। तो जितने सारे अटेंडीज या विजिटर्स है, इम्पोर्टर्स है, आर्मेनिया आते हैं, विजिट करते हैं एक्सपो में बहुत सारे प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो अगर आप आर्मेनिया में सितंबर में एग्जीबिशन में, एक्सपो में आइदर पार्टिसिपेट करिए या वहाँ पर विजिट करिए तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो क्या होगा और क्या नहीं होगा तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। और फिलहाल क्या क्या प्रोडक्ट का वहाँ पर होने वाला है, एक्सपो होने वाला है, मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन आप देख लीजिए। तो एक सितंबर में होने वाला है आर्मेनिया एक्सपो। तो ये यूनिवर्सल ट्रेड इंडस्ट्रियल एक्सपो फोरम है। तो ये सितंबर 15 तारीख को होने वाला 3 दिन का एक्सपो है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रेड इंडस्ट्रियल एक्सपो होने वाला है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ट्रेड होने वाला है, एक्सपो होने वाला है। बिल्ड एक्सपो यरेवान, बिल्डिंग एक्सपो मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, हार्डवेयर प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का एक्सपो होने वाला है। ये आपका सितंबर में 3 दिन का है। और कॉम्प एक्सपो यरेवान में कंप्यूटर एंड IT टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का एक्सपो होने वाला है सितंबर में। अगर आप कंप्यूटर में डील करते हो, IT सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर्स का डील करते हो तो आप ये एक्सपो ज्वाइन कर सकते हो। ये 3 दिन का एक्सपो है इन सितंबर। उसके बाद फाइनेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड ऑडिट एक्सपो। ये फाइनेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर एक्सपो होने वाला है। अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर डील करते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 दिन का एक्सपो है इन सितंबर में। उसके बाद है फर्नीचर और सलून, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल फर्नीचर में डील करते हो, आप इंटरनेशनल फर्नीचर प्रोडक्ट सर्विसेज का आप करते हो तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ का यह पर फर्नीचर और सलून का जितने सारे प्रोडक्ट सर्विसेज होता है इसका एग्जीबिशन होने वाला है सितंबर में, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और इंडस्ट्रियल आर्मेनिया एक्सपो, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जितने सारे प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं उसका एक्सपो होने वाला है सितंबर में। 3 दिन का है, सितंबर में होने वाला है। और इंटर फूड एक्सपो में फूड प्रोडक्शन, फूड पैकिंग, मीट प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मिनरल वाटर्स और आपका कोल्ड ड्रिंक्स, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स, बियर, टोबैको गुड्स, कॉन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, ये जो प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट का एक्सपो होने वाला है सितंबर में। 3 दिन का एक्सपो है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्सपो पॉलीग्राफी पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट। पॉलीग्राफी पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट इंटरनेशनल एक्सपो होने वाला है इन आर्मेनिया। 3 दिन का एक्सपो है, ये सितंबर में होने वाला है। उसके बाद आता है आपका रेस्ट और एंटरटेनमेंट एक्सपो। अगर आप इंटरनेशनल रेस्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट सर्विसेज का डील करते हो तो आप एक्सपो ज्वाइन कर सकते हो। 3 दिन का एक्सपो है, 15 तारीख सितंबर में होने वाला है। ऑटो शो आर्मेनिया। ऑटो शो मतलब अगर आप ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह में डील करते हो तो आप ये 3 दिन का शो ज्वाइन कर सकते हो एज ए विजिटर और एज ए पार्टिसिपेंट्स। ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, बाइक, कार्स, हैवी व्हीकल्स का ये ऑटो शो है, आप सितंबर में ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको लिस्ट करके बता दिया आर्मेनिया में क्या क्या होने वाला है सितंबर में। तो ये अगर आप जितने सारे शो बता दिया, जितने सारे एक्सपो बता दिया, अगर आप ज्वाइन करने वाले हो, जो अगर आप जाना चाहते हो एज ए पार्टिसिपेंट, तो
तो आपको स्टॉल लेना पड़ेगा। तो स्टॉल का प्राइसेस बता दिया, इसका यहाँ पर 4 लाख 5 लाख से लेकर 7-8 लाख के अंदर आपको स्टॉल मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल लाइट्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर और आपका डिज़ाइन किया हुआ आपका बैकग्राउंड में और साइड में जितने सारे बड़ा ब्राउज़र लगेगा आपका डिज़ाइन कंपनी का लोगों के साथ, वो भी डिज़ाइन करके देंगे। ये टोटल खर्चा है 4-5 लाख से लेकर 7-8 लाख के अंदर हो जाएगा। प्लस आपको आर्मेनिया एंड रशियन स्पीकिंग स्टाफ आपको हायर करना पड़ेगा, पर डे $100 लेंगे। तो जो रशियन एंड आर्मेनियन लैंग्वेज में बात करके या इंग्लिश लैंग्वेज में बात करके कस्टमर से बात करेंगे आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर। तो ये अगर आपका बजट में आता है, इतना एक्सपेंसेस आप कर सकते हो, पे कर सकते हो 4-5 लाख से लेकर 7-8 लाख के अंदर, क्योंकि आपका जो रहेगा आपका जो एक्सपो करने के लिए आपका जो स्टॉल रहेगा डिपेंड करता है कितना स्क्वायर फीट का लेने वाले हो। तो अगर छोटा लोगे 200 स्क्वायर फीट के अंदर तो आपको 4-5 लाख के अंदर आ जाएगा, प्लस बड़ा लोगे तो 7-8 लाख रुपये आ जाएगा डबल लोगे तो। प्लस आपका एयर टिकट है, वीज़ा है, होटल स्टे है और इंटरनल कार का जो सर्विसेस है, मतलब कार में आप ट्रैवल करोगे उसका भी खर्चा है। तो इसका इतना खर्चा आ जाएगा आपको 7-8 लाख में टोटल आ जाएगा। तीन दिन का एक्सपो है, 3 दिन का आपको ये खर्चा आ जाएगा। तो आपको बता दिया 4 लाख 5 लाख के अंदर मिनिमम और 7-8 लाख का मैक्सिमम में हो जाएगा, प्लस आपका टिकट, वीज़ा, होटल बुकिंग, कार्स, इतना कॉस्ट आ जाएगा एक्स्ट्रा। अगर आप ये लेने वाले हो, आप पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बजट में है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, ओनली आप एज ए विजिटर आप ट्रैवल करके आर्मेनिया घूमना चाहते हो, अलग अलग स्टॉल में, अलग अलग जगह पर जाकर, अलग अलग स्टॉल में जाकर बायर्स इम्पोर्टर्स को मिलना चाहते हो तो आप जा सकते हो। तो इसके लिए वीज़ा हमारा कंपनी पैकेज बनाया है, तो आपका वीज़ा अरेंज करके देंगे, आपका एयर टिकट, रिटर्न एयर टिकट आपको अरेंज करके देंगे दिल्ली या मुंबई से, और आपका जो होटल बुकिंग 3 दिन का होटल स्टे रहेगा, 3 या 4 दिन का, प्लस आपका ब्रेकफास्ट के साथ होटल बुकिंग रहेगा, प्लस कार्स इंटरनल आप ट्रैवल करोगे 3-4 दिन वो कार्स का है। ये टोटल जो कॉस्ट आ जाएगा 2 लाख, टोटल 2 लाख के अंदर आपका कॉस्ट आ जाएगा। अगर आप ये ट्रैवल करना चाहते हो एज ए विजिटर तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपका वीज़ा अरेंज करेंगे, प्लस आपका होटल बुकिंग, कार्स एंड एयर टिकट वगैरह बुकिंग करके आपको देंगे और हमारा स्टाफ कोई वहाँ पर रहेगा, या अगर मैं आएगा मैं आपको मिल सकता हूँ इन आर्मेनिया, तो आप पूरा एग्जीबिशन में घूमकर प्रोडक्ट सर्विसेज देख सकते हैं और बायर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स को मिल सकते हैं। ऑल्सो आपका 1 महीने का 21 डेज का वीज़ा रहेगा, 3 दिन के बाद आपका कॉस्ट में वहाँ रहकर अलग अलग बायर्स को, अलग अलग कंपनी को मीट कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इन आर्मेनिया आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो कॉस्ट आपको बता दिया 3 दिन का कॉस्ट बता दिया, अगर 3 दिन के बाद आप और 10-15 दिन आपको रहना है इन आर्मेनिया बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए, फिर वो कॉस्ट आपका रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, बुकिंग करने के लिए 5,000 पेमेंट करना पड़ेगा, 5,000 पेमेंट करने के बाद हम आपको कुछ फॉर्म्स भेजेंगे, फिलअप करके आप भेज दीजिए, आपका इनवॉइस में साइन करके भेज दीजिए, फिर हम आपको बाकी डिटेल्स भेजने के बाद आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, फिर हम आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे, एयर टिकट, होटल बुकिंग वगैरह करके भेज देंगे, ताकि आप मुंबई दिल्ली से सितंबर में आप ट्रैवल कर सकते हो तो आर्मेनिया। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।